हेलो गाइस, आज के हम वीडियो में बनाना सीखेंगे ये किचन वाला टेडी बेयर। ये किचन वाला टेडी बेयर आपने ज़रूर व्हाट्सएप चैट्स में देखा होगा, तो हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए ताकि आप मेरी एक भी वीडियो मिस ना करें। तो इस क्ले को यूज़ करके हम ये बनाएंगे। ये शिल्पकार के लिए है और इस किचन से हम इसे अटैच करेंगे। तो शिल्पकार के लिए यूज़ करने का तरीका ये है कि इसे 50-50 या 1:1 के रेशियो में इसे यूज़ करना है। तो इसके लिए हमें दो इक्वल पार्ट चाहिए। अभी हम इसका हेड बनाएंगे, तो इसके लिए हार्डनर का हाफ पीस और रेजिन बेस का हाफ पीस हम लेंगे। ये क्ले अगर ज़्यादा देर तक हमने ओपन में ऐसे ही रखी, ज़्यादा देर भी या ज़्यादा दिनों तक भी ऐसे रखी, तब भी ये उतनी जल्दी मिक्स नहीं होगी, क्योंकि इसे मिक्स करने के बाद ही हार्ड करना होता है। सो जल्दी से हमने ऑयल हाथ में अच्छे से मिक्स मर लिया था और अब हम इस क्ले को अच्छे से मिक्स करेंगे। ऑयल हाथ में लगाने का पर्पस ये है कि ये क्ले ज़्यादा ही स्टिकी है और हाथ में स्टिक करने की वजह से हाथ पे मतलब अच्छे से चिपक जाती है, बिल्कुल इरिटेशन सी देने लगती है। इसीलिए हम ऑयल ऑयल से इसे लुब्रिकेट करेंगे हाथ को। तो अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे और इसे मिक्स तब तक हमें करना है जब तक ये बिल्कुल अच्छे से वाइट ना हो जाए और थोड़ा सा और हम ऑयल इसमें यूज़ करेंगे। हल्का सा और ऑयल हम इसलिए ले रहे हैं ताकि इसको मिक्स करने के बाद इसकी जब हम शेप बनाएंगे तो इसकी सरफेस बिल्कुल ही स्मूथ होगी, जिसके ऊपर पेंट एकदम अच्छे से मतलब कोटिंग उसकी पेंट की आएगी। तो हम अब इसमें किचन अटैच करते हैं। ये हमने अटैच करी किचन, तो ये पार्ट हमारा बनेगा इस बेयर वाली किचन का हेड। तो इसे सूखने के लिए कम से कम 1.5 घंटा लगता है और सूखने के बाद ये एकदम पत्थर की तरह हो जाता है। हमने इसे 1.5 घंटा नहीं, कम से कम एक रात के लिए सूखने के लिए रखा था। अब हम बाकी के क्ले से बनाएंगे इसके बॉडी पार्ट्स। तो अच्छे से हमने मिक्स किया और मिक्स करने का तरीका भी बिल्कुल यही है। सांप बनाइए, जलेबी बनाइए और उसे बिल्कुल रोटी की तरह बेलिए और बिल्कुल रोटी की तरह बेलने के बाद बिल्कुल अच्छे से उसे मिक्स कर दीजिए। तो हम अब इसके बॉडी पार्ट्स बना रहे हैं, जिसमें इसके कान आएंगे, इसके हाथ आएंगे, इसके पैर भी आएंगे। तो अच्छे से हम शेप देते हैं बॉडी पार्ट्स को। और ये बात देखने वाली है कि पैर के जो पार्ट्स हैं, पैर पैर जो हैं इस बेयर के, वो हल्के से मोटे रखने हैं और फ्लैट रखने हैं, क्योंकि मोटे पैर हैं और फिर उसके बाद हम दबाएंगे तो और मोटे हो जाएंगे इसके पैर। और अच्छे से इसको शेप देना है। अब हेड को अटैच करते हैं। हेड को भी हल्का हल्का अटैच करना है, ज़्यादा ज़ोर से करेंगे तो ये इसकी शेप बिगड़ जाएगी। अब हाथ अटैच करते हैं। हाथ भी हमारे अटैच हो गए, हमारे नहीं, इस बेयर के अटैच हो गए। और अब इसके ईयर्स बनाने हैं। तो ईयर्स के लिए भी यही है, हल्की सी आप छोटी छोटी बॉल्स बनाएं, उसे उसके रोल्स बनाएं और फिर उसको फ्लैट करके बिल्कुल अच्छे से सेट कर लें। ज़्यादा बड़े ईयर्स भी ठीक नहीं है, क्योंकि फिर उसके बाद की चेन की चेन उस ज़्यादा बड़े ईयर
से टकराएंगे और फिर वो ईयर्स ही टूट जाएंगे, इसलिए छोटे छोटे ईयर्स बनाने ठीक रहेंगे। अब हम इस बेयर की टाई भी बनाएंगे। टाई वाला बेयर है, लग रहा है कामकाजी है। सो इसकी टाई भी हमने बना दी, छोटी सी टाई में ये बेयर काफ़ी क्यूट लगता है दिखने में। तो ये भी है कि हम इस बेयर को हम ओवरनाइट इसे भी सूखने के लिए रखेंगे, जैसे हेड वाले पार्ट को रखा था। अब पेंट करने के लिए हम इसे पेंट करेंगे एक्रेलिक से। सो एक्रेलिक हमने ले लिया डार्क ब्राउन कलर का, तो एक्रेलिक आ गया हमारे पास, ब्रशेस आ गए, और ये ओवरनाइट सूखा बेयर आ गया जो अब पत्थर की तरह सॉलिड हो चुका है। तो इसे हम पेंट करेंगे और बिल्कुल ही ग्लॉसी पेंट आ रहा है इसके ऊपर, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि चॉकलेट की तरह, या हम चॉकलेट ही बना रहे हैं इसको। और ऑयल की वजह से जो इसका सरफेस टेक्सचर स्मूथ आया था, तो पेंट उसके ऊपर खूब अच्छे से मिक्स हो रहा है। मैं रेकमेंड करूँगा कि कम से कम आप दो कोटिंग कीजिए पूरे पेंट की, ताकि ये अच्छे से इवनली कोट हो जाए। मैंने एक ही लेयर इस पे पेंट किया है, लेकिन तब भी ये अच्छे से पेंट हो रहा है, और मैंने थिक लेयर पेंट करी है, बिल्कुल चॉकलेट की तरह लग रहा है, चॉकलेटी बेयर। लेकिन खाना इसे बिल्कुल नहीं है, दांत टूटने वाले हैं आपके अगर आपने इसे खा लिया चॉकलेट समझ के। तो अब इसकी टाई भी हम पेंट करेंगे, टाई हम पेंट करने वाले हैं रेड कलर से, और बाकी के छोटी मोटी डिटेल्स भी हम जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी हम पेंट कर लेंगे। छोटी डिटेल्स में इसका मुंह भी आता है, तो इसका फेस भी पेंट करेंगे हम थोड़ा सा, और ईयर्स में भी हल्की सी डिटेलिंग्स लाने के बाद थोड़ा ऐसा दिखेगा। तो हम बाकी की फिनिशिंग मार्कर से करने वाले हैं, मार्कर से इसका फेस बनाएंगे, और इसका ट्रेडमार्क फेस है, ऐसी फेस रहता है बिल्कुल। और वाइट पेन से थोड़े थोड़े से डॉट्स बना के हम इसकी आंखों में शाइन बना देंगे, हल्की सी नोज़ पे भी शाइन देते हैं, और टाई पे टेक्सचर बना देते हैं टाई का। सो रेडी है हमारा ये कीचेन वाला ब्राउन बेयर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, ताकि आप नेक्स्ट आने वाली वीडियोस बिल्कुल ना मिस करें। सो तब तक के लिए स्टे 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 सेफ, स्टे हेल्दी, एंड ओवर एंड आउट।